साला गेस को चोर बोल रहा है साला। गेस क्या? हाँ तेरा वो चोर होता तो वो जेल जाता साला। वो तू 26 महीने तू वो नहीं जेल गया, तू जेल गया है भाई। भाई बिग बॉस में गया, उधर हक के आ गया, किसको मार के निकल गया। एक्टिंग में भाई इसने दो चार एक दो फिल्में खेली है, वो भी फ्लॉप हो गई। इसने किया क्या है जिंदगी में भाई? जो जोगिंदर ने किया था, जो दीपक कला जैसे बहुत आए भाई, बट अपने लिमिट तक थे वो। See, what's up guys, welcome back to another video, and आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मेगा ब्लो यूट्यूब चैनल, यू नो मेगा ब्लो यूट्यूब चैनल nowadays he is doing very hard work video on his channel। बिग बॉस आ गया भाई। बिग बॉस के समय में बहुत गंदा मेहनत कर रहा है बंदा, और हमको we have to appreciate him bro। As a appreciation we are making a reaction video on him, you guys also can appreciate him by making some videos, and the guy is just working very hard for his channel on this time। Let's go without wasting any time, let's get react to the video, let's go guys। This guy is also making same content like Neon Man and Newsboy, giving news of YouTube community, and let's get started with the video, let's go guys। आज भी थ्रू में मेरा ब्लोर, आज भी मेरे पास काफी सारी YouTube कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ है भाई, तो वीडियो को तक देखते रहना। तो पहले न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। एट द फर्स्ट आई वांट टू गिव यू फीडबैक ब्रो, अगर मेगा ब्लो अगर तुम देख रहे हो ये, तो मैं फीडबैक देना चाहता हूँ। जैसे तुम यहाँ पे बना रहे हो ना गेम प्ले के पीछे, भाई खुद का फेस रिवील कर, मतलब फेस के साथ बनाओगे ना एंगेजमेंट डबल आएगा ब्रो, डबल लिटरली डबल आएगा। सो मेक वीडियोज विथ योर फेस यार, कब तक यार पीछे रहेंगे, फेस तो दिखाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। फेस दिखाओगे डबल ऑडियंस आएगा भाई तुम्हारे साथ। सो पेस्ट योर फेस, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। भाई इसमें क्या मजा आता है पता है? एक बात क्या अच्छा है, अभी पहले सब चीज का एक टाइम आता है, व्लॉगिंग आया था पहले, फिर उसको व्लॉगिंग 10 मिनट 20 मिनट पहले मुंबई का निखिल बहुत बड़ा बड़ा 20 मिनट का भी बनाता था, उसके बाद ड्यूरेशन घटा के सौरभ जोशी ने 10 मिनट 8 मिनट का कर दिया। अभी भाई चल रहा है 2025 में समथिंग आएगा 24-25, अभी चल रहा है मिनी व्लॉग का सीजन, मिनी व्लॉग मस्त चल रहा है। ऐसे ही बंदे ने क्या कर दिया, 10 मिनट का न्यून मैन न्यूज़ बॉय बनाते हैं न्यूज़, ये बंदा 3 मिनट का बनाता है। मजा ऐसा है ना, ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, तो देखने में लोग मजा आता है यार, लोग देखते हैं। सो चलो बहुत अच्छा चीज़ है ये भाई, 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो एकदम मस्त वाला, अपना भी 5 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेट्स गो गाइस। अजाज खान वर्सेस एल्विश यादव एंड रजत दलाल के बारे में आप लोगों को भाई पता होगा, अजाज खान एंड आल्सो एल्विश यादव एंड रजत दलाल के बीच में क्या कुछ लफड़ा वगैरह हुआ है। बेसिकली सबसे पहले तो अजाज खान जो यूट्यूबर्स को धमकी दिए थे, तो उसकी का रिप्लाई करते हुए रजत दलाल एंड एल्विश यादव यार मुंबई चले गए थे, जहां पर यार उन लोगों ने भी धमकी दे दिया था कि भाई आ गए हम लोग मुंबई, अब यहां पे आके मिल लो इस तरीके से। लेकिन हुआ ये था, हमें अपडेट ये मिला था कि रजत दलाल एंड आल्सो एल्विश यादव भाई अजाज खान से नहीं मिले, एंड वो लोग भाई ये प्रूव हो गए कि भाई जो एल्विश यादव है एंड रजत दलाल है ये लोग भाई डर गए अजाज खान से। लेकिन भाई अभी इसके रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है, एंड क्या भाई एल्विश यादव और रजत दलाल ने लिटरली अजाज खान से अपोलॉजी मांग ली है, सॉरी बोल दिया है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो इस चीज को खुद भाई अजाज खान ने रिवील किया, तो उनसे रजत दलाल और एल्विश यादव ने सॉरी बोल दिया, देखिए आप लोग। तो यारो वो रजत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले अजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एल्विश यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो और मुंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना, तो इसका फैसला हो गया है। झूठ भाई झूठ, झूठ भाई, तेरे पे विश्वास कर ही नहीं सकता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये इतना बंदा इतना इस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता भाई, ये एक व्यूज थोड़े से इंप्रेशन के लिए कुछ भी बोल सकता है ये बंदा, कुछ भी। एक तो खुद को एक्टर बोल रहा है, वो भी व्यूज के लिए भाई। लेट्स गो, बाकी बचा वो चोको चूसिया, उसका इंतजार कर रहे हैं 2 हफ्ते लिए, उसने बॉडी बॉडी बनाएगा, थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट करेगा, नहीं आ जाओ रे सब। और बाकी जो यूट्यूबर है जबरदस्ती चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो, चोको चूसिया इसने किसको बोला बे? आई थिंक इज टेलिंग टू पूरा जा ब्रो, बिकॉज वो मेले ले चोको वही बोलता था, बट भाई क्या
भाई कुछ में भी गुस्सा हो जाता है भाई ये मतलब कोई इस पे पैरोडी बना रहा है उस पे भी गुस्सा होना है, इसको सब पे गुस्सा ही होना है ब्रो। भाई तेरे औकात से बाहर का है भाई, चोको दे देगा तेरे मुंह में चोको। बेटा तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है बाकायदा बोर्ड पे और तुमको भी लाया जाएगा। लिख ले भाई, मेरा भी लिख ले, लिस्ट में डाल दे, अभी फुर्सत नहीं है बहुत, नहीं तो तेरे पे गंदा वाला रोस्ट बनाता भाई। और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। अब बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हो भाई एजाज खान की इस रिप्लाई के ऊपर भाई, जरूर बताना आपको क्या कंफर्म फेक है ब्रो, फेक है। लग रहा है एजाज खान सही कह रहे हैं या झूठ? अगर एजाज खान के लफड़े के बारे में बात कही रहे हैं तो आप लोग को पता होगा अभी कल ही यार एजाज खान और ऑल्सो पूरब झा के बीच में लफड़ा हुआ है, तो इस चीज के ऊपर यार जो रूबल ढंकर हैं ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं एजाज खान से, बिकॉज एजाज खान जिस तरीके से यार पूरब झा के घर वालों को गालियां दिए उस चीज के ऊपर, क्या कुछ कहा रूबल ढंकर ने देखिए आप लोग। अभी मेरे सामने वीडियो आई, बहुत सारे भाई भेज रहे कि पूरब जो कि बहुत अच्छा क्रिएटर है, हाँ उसकी थीम अलग है, उसका अलग तरीके का कंटेंट है, फनी या वो मतलब जो स्केचेस बनाता है, एजाज ने उनकी माता जी को गाली दी है। भाई सबसे पहले तो बात ये बता दूं एजाज कि जो भी रियल पर्सनैलिटी होती है ना, जिसने जीवन में कुछ किया होता है अपने माँ बाप के लिए कुछ किया होता है वो कभी, अरे भाई इसने कुछ किया ही नहीं है तो भाई क्या मतलब, भाई बिग बॉस में गया उधर हक के आ गया, किसको मार के निकल गया, एक्टिंग में भाई इसने दो चार एक दो फिल्में खेली है वो भी फ्लॉप हो गई, इसने किया क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं किया है भाई, जो भी किया है सब ने इसको लिटा के पीट के भेजा दिया भाई। करे कही दूसरे के माँ बाप को गाली नहीं देता, रियल पर्सनैलिटी और ना कोई धर्म ना कोई मजहब सिखाता भाई, धर्म तो सिखाता नहीं है भाई, अल्लाह अल्लाह ये नहीं बोलता कि तुम जाके किसी को गाली दो किसी को मारपीट करो, हर सब धर्म सिर्फ अल्लाह नहीं भाई, हिंदू में भी ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ मुस्लिम में नहीं होते ऐसे लोग, हिंदू में भी ऐसे लोग होते हैं, क्रिश्चियन में भी ऐसे लोग होते हैं, सब जगह होते हैं भाई, अल्लाह हिंदू ना मुस्लिम सब अच्छे से संस्कारी होके अच्छे से हिंसा साइड करना सिखाता है, हिंसा करना कोई नहीं सिखाता भाई। भाई ये मतलब क्या कहे भाई, इंसान होता है सब, ये है पागल, इसका दिमाग मानसिक संतुलन हिला हुआ है, ये कर रहा है ना ऐसा भाई, भाई अल्लाह नहीं सिखाता ऐसी बात है, हिंसा रोको बोलता है भाई सब भगवान, सब सब एक है भाई, सब एक है, इस तरह की हरकत करना ठीक है, सबसे पहली बात तो यही सीख लो, और अगर तुम्हें बड़ा उम्र का या एक्सपीरियंस की बात करनी है ना, सबसे पहले अपने अंदर यही चेंज लाओ, और कभी किसी के सामने आके ये करके देखना जो बराबर का हो, तुम्हें ये रियलिटी पता चल जाएगी कि तुम कितने पानी में, ठीक है भाई, डूब रहा है भाई ये पूरे पानी के अंदर जाके डूब रहा है भाई ये, पहले रिस्पेक्ट करो बहुत ज्यादा, कोई भी बात रखनी है अपने तरीके से रखो, इस तरीके की हरकत करके तुम अब आगे समझदार कोई सारे काम, भाई कितनी गंदी गंदी गालियां दी है भाई पूरा भाजा को, पूरब झा के मम्मी, पूरब झा को देता थे वहां तक ठीक था भाई, पूरब झा के मम्मी को दिया भाई। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग ने एक चलो बता दूंगा, एंड हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस वीडियो तो छोटा था, लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो। मित्रों मैं गब्लोर, ये वाली न्यूज़ वीडियो एक डेडिकेटेड न्यूज़ के ऊपर होने वाली है भाई, एजाज खान वर्सेस ऑल यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोगों को भाई पता ही है कि एजाज खान एंड सारे ही यूट्यूबर्स के बीच में क्या कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हो रहा है। पहले के टाइम पे जो एजाज खान है वो कुछ कुछ यूट्यूबर्स को ही टारगेट कर रहे थे, कुछ कुछ यूट्यूबर्स को यार बातें बोल रहे थे, लेकिन अभी यार वो लिटरली सारे ही यूट्यूबर्स को टारगेट करके बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, एंड वहां से यूट्यूबर्स भी भाई उनको काफी गंदे तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। तो अभी फाइनली यार एजाज खान के साइड से हमें यार सारे ही यूट्यूबर्स के ऊपर रिप्लाई देखने को मिल गया। आप लोगों को पता होगा कि एजाज खान पहले तो धीरे धीरे करके सारे यूट्यूबर्स को रिप्लाई कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने पूरब झा को रिप्लाई किया, राजवीर फिटनेस को किया, एल्विश को किया, रजत दलाल को किया, एंड काफी सारी और भी लोगों को। लेकिन हुआ क्या कि अभी यार कुछ ही मिनट पहले यार एजाज खान ने अपने चैनल के ऊपर में एक पूरा व्लॉग अपलोड किया, जहां पर उन्होंने सारे ही यूट्यूबर्स को अपने साइड से भाई वार्निंग दी, एंड उन्होंने यूट्यूबर्स को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी दी। क्या कुछ कहा भाई एजाज खान, भाई ऐसे ओपनली ये सोशल मीडिया में धमकी दे रहा है भाई, मुंबई पुलिस क्या कर रही है यार, पूरे ही यूट्यूबर्स को देखिए आप लोग। और वो भाई जो जोगिंदर ने किया था, जो दीपक कला जैसे बहुत आए भाई, बट अपने लिमिट तक थे वो, ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज लिमिट यार, ये लिमिट भूल रहा है ब्रो। ठगेश क्या? हाँ तेरा चोर साले, भाई चोर किसको बोल रहा है बे, भाई वो चोर होता तो वो जेल जाता सारा, वो तू
26 महीने तू वो नहीं जल गया, तू जल गया है भाई, इतना समझ ले। सारा गैस को चोर बोल रहा है सारा, हट पे बम्बई के चोर। तू है बम्बई का चोर भाई, तू है भाई, कितना भाई ये पागल हो गया है बे, थगेस को चोर बोले इसकी तो बहन। अरे भाई कोई तो कंप्लेन करो भाई, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं मतलब मैं अभी यूट्यूब में बहुत छोटा हूँ, सोशल मीडिया बहुत छोटा हूँ, मैं करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई तो बड़े यूट्यूबर करो यार, मतलब कंप्लेन करो, सोशल मीडिया में कंप्लेन करो, ट्विटर में ट्वीट करो यार भाई, ट्वीट करने के 10 मिनट में रिप्लाई आएगा भाई। मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस इतनी एडवांस हो चुकी है, वो भाई एक कंप्लेन का वेट है मुंबई पुलिस को, वो करते ही नहीं है भाई, क्या छीबे मारूंगा सर पे, भागेगा घर पे, वो तेरे गांड में मारेगा, वो तेरे मुंह से निकलेगा वो डंटा, समझा भाई। सब बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, तेरा ही डायलॉग था भाई। थगेस के तेरे थगेस की जूती के जूते का औकात नहीं है तेरा सारा। मत कर ये सब, स्काई के लिए चलती गाड़ी में चढ़ रहा है तू भैं। एक तो वो खुद नाम लेता है थगेस का, रोस्टर्स का, उसके बाद क्यों खुलती गाड़ी में चल, मतलब फिर से तू दूसरा वीडियो बनाया। चल अच्छा है, सारे यूट्यूबरों के घर चला रहा ना एजाज खान के, नहीं चला रहा भाई। भाई ऐसा मत बोले भाई, एक तो 5 मिलियन बॉट्स के फॉलोअर लेके ये ज्यादा बड़ा बन रहा है भाई। तेरे में व्यूज आने कम हो गए थे, मुझे पता है व्यूज आने कम हो गए थे, इसीलिए तू सब रोस्टर्स को उल्टा सीधा बोल के व्यूज लेना चाह रहा है भाई। आ रहे हैं ना व्यूज तेरे भाई, तेरा धर्म यही सिखाता है ना भाई। भाई धर्म वर्म ऐसा कुछ नहीं सिखाते भाई, वो हिंसा रोको सिखाते हैं सब धर्म भाई। ये मुस्लिम है इसलिए ये नहीं कर रहा है, ये इंसान पागल है, इंसान चूतिया है इसीलिए कर रहा है भाई। कोई मुस्लिम कोई हिंदू का धर्म या हिंदू वो सा नहीं करते भाई, कोई कोई सेपरेट ही होते हैं भाई, हिंदू में भी होता है, क्रिश्चियन में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है, ये है एक हरामी साहब। पीछे देखो, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, बट ये मुस्लिम का लैंग्वेज है, कुछ तो अच्छा लिखा होगा, कुछ बड़े लोगों ने लिखा होगा, उसकी भी इज्जत नहीं किसने भाई, मुसलमान हो के मुसलमान के खुद के अच्छे अल्लाह के चीजों पे का इज्जत नहीं कर रहा है, उसके सामने बैठ के हजारों गाली दे रहे हैं ये बंदे, मतलब क्या है ये, अपनी खुद का धर्म का इज्जत नहीं है इसको, ये क्या इज्जत करेगा भाई दूसरों की, क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो भाई तुम। आ रहे थे सबके, आ रहे ना, इंटरनेट गरम कर दिया ना। हाँ भाई आ गए, आ रहे भाई, तेरे व्यूज आ रहे हैं ना, सारा बॉट फॉलोअर लेके बैठा है, ज्यादा बक बक कर रहा है सारा सोशल मीडिया, सारे कुछ एक तरफ और तुम्हारा भाई एक तरफ, आओ रे जो उखाड़ना उखाड़ो, तुम तो बना रहे हो, मैं तो लिस्ट बना रहा हूँ बेटा, बना वो ना लिस्ट बना दे, टॉप में मेरा भी नाम लिखियो। मेरा क्या है, आई हैव नथिंग टू लूज ब्रो। सच में तेरे पास कुछ नहीं है भाई, सच में कुछ भी होता तो ते ऐसा नहीं बोलता भाई, ऐसा नहीं करता। मैंने जिंदगी में सब पा लिया है, सब खो दिया है, उल्टा बोल दिया तूने तो कुछ नहीं है, जो खोना था खो दिया, जो बचा है वो सिर्फ मेरा है, समझा, सिर्फ मेरा है, और अल्लाह का दिया बहुत कुछ है बेटा। भाई अल्लाह का दिया सब कुछ होगा तेरे पास, बट दिमाग नहीं है भाई, दिमाग है ही नहीं, अल्लाह ने तो वो भी दिया था बट तेरा वो नहीं है। छोड़ूंगा नहीं बेटा तुम लोग को, मैं याद रखना। अरे तू होता कौन है चूतिया भाई, तू होता कौन है भाई, छोड़ने ना छोड़ने वाला, क्या छोड़ूंगा तो नहीं, और भी कीड़े मकोड़े जितने आने आ जाओ सब आएंगे भाई, मतलब मैं समझ रहा हूँ ब्रूटल रोस्ट गया कहाँ ब्रो, नाउ ब्रूटल रोस्ट इज नीडेड ब्रो, ये फ्रेंडली रोस्ट ये कुछ नहीं होने वाला भाई, इनका करियर कुछ नहीं है अभी, इससे एक तो डेड करियर है इसका, ऊपर से ओपनली आके धमका रहा है, सब कुछ कर रहा है। पालवीर नहीं, उसका नाम अलग करो, पालवीर भी थोड़ा ताकतवर हो गया, तेरा नया नाम जैसे कि मीम लगा के बहुत बड़ा आदमी बने, भाई तू ही चूतिया है, मीम के वजह से कोई नहीं हंसने वाला, इतना समझ ले। चूतिया भाई म्यूट क्यों कर रहा है, इतना डर लग गया तेरे को,
भाई नाम सुनाने में डर लग गया, डिफॉर्मेशन डाल देगा क्या, डिफॉर्मेशन का डर लग रहा है क्या, नाम म्यूट कर दिया। वो भाई बॉडी बिल्डर, मूंछ वाला बॉडी बिल्डर, क्या नाम है? दुबल। दुबल दुबल, अरे तू अलग रह रहे दुबल दुबल, तू काय के लिए आ रहा मेरे भाई बीच में यार? अच्छा दुबल पुलिस की नौकरी करता दुबल, यस पुलिस की नौकरी। मैं सोचू क्या, मतलब मैं सोचू क्या है ये डुबल, कौन है ये डुबल, डुबल डुबल कौन है ये डुबल, नो हु इज डुबल, बट इसने बोल रहा है, ये बोल रहा है डुबल इज पुलिस ऑफिसर। भाई क्यों बीच में आ रहा है भाई? आई एम रिक्वेस्टिंग टू डुबल ब्रो, डुबल सर, डुबल कौन है भाई? एक केस तो बनता है भाई, आप पुलिस पे हो, बहुत कुछ कर सकते हो, प्लीज डू समथिंग यार, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है भाई। भाई एक मेरे ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बट अगर कोई बड़ा बंदा ट्वीट करे भाई, इसे पकड़ के अभी ले जाएंगे भाई। डुबल सर कौन है आप, मुझे नहीं पता, बट इफ यू आर अ पुलिस देन प्लीज डू समथिंग यार, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड वी एवरी वन ऑफ दिस कंट्री, नेपाल एंड इंडिया, वी बोथ कंट्रीज पीपल आर जस्ट होपिंग ऑन यू गाइज, बिग यूट्यूबर्स आई मीन, एंड ऑल्सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू हुवल सर डू समथिंग यार। He's just crossing his limit. He's just going out of his limit, yeah, bro. अच्छा इन लोग के साथ घूम भी मत रहे, तेरा क्लास नहीं है चोर उचक्कों के साथ घूम रहा तू? भाई तेरे जैसे चोर चक्के के साथ घूमेगा तो भाई, भाई तू कौन होता है भाई किसी को किसी की क्लास दिखाने वाला? भाई तेरा क्लास सबको दिख रहा है, घूम रहा है? नहीं मेरे भाई, अपना इज्जत रख, अपना वो रख रहे तू, वो दूसरा कौन रहे वो? अरे रे वो एक और थारा भाई, हाँ अरे वो चोर का नाम किधर ले रहा रे तू? तो रुक मरा रहा दिल्ली में। नहीं देख भाई, पहली बात तो भाई थारा भाई जोगिंदर ठीक है, मैं नहीं देखता, बट यू कांट से लाइक दिस टू एनीवन ब्रो, थारा भाई जोगिंदर भी इंसान है, उसको तो नहीं बोल सकता ऐसा। बुसु के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं है, क्योंकि वो भी खुद यही गली का कीड़ा है, ऐसे ही थारा भाई जोगिंदर भी फेमस ऐसे ही हुआ है भाई, तो आई डोंट वांट टू डिफेंड हिम ब्रो, लेट इट बी। दो रुपये पाँच रुपये का काम है उसका, और बाकी तीसरा चौथा कौन है, सब आ जाओ एक साथ, सबके घर चलाएंगे अपन इंशाल्लाह ताला। भाई तेरे मुंह से तो ये इंशाल्लाह अल्लाह, ये डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ कल्चर, डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ रिलीजन है भाई ये, मतलब नहीं बोल भाई, मत बोल भाई, तेरे खुद के मुस्लिम दोस्त, मुस्लिम फैंस, फैंस तो तेरे नहीं, मतलब औरों के मुस्लिम फैंस तेरे से नाराज है भाई, तो डोंट यूज दिस वर्ड्स यार। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए यार मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोगों को बता दूंगा, हर गेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सब्सक्राइब का नहीं पता भाई, सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, बट देखो भाई ये बंदा बहुत ऊपर जा रहा है, इसको नीचे लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, एंड क्या है भाई एक्शन लेना पड़ेगा, अरे विदाउट एक्शन रिएक्शन विल नॉट कम ब्रो, एवरी एक्शन हैव अ ऑपोजिट रिएक्शन ब्रो, सो देखो मेरे होने से मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, बट कोई अगर बड़ा इंसान, बड़ा यूट्यूबर जिसकी पहुंच थोड़ी ऊपर तक है, फॉलोअर्स अच्छे हैं, वो एक कंप्लेंट पे मुंबई पुलिस एक्शन जरूर लेगी, और ये बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा वीडियो है, बहुत गंदी तरीके से इसने बनाया है वीडियो सब, सो जरूर लेगी वो, सो प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी बिगर यूट्यूबर, जस्ट डू वन ट्वीट against this Ezaz Khan and let's take this video only till this time and peace out bhai, ho gaya bhai ab nahi kar sakta yaar, kya chaman hai bro, is pe na ban sakta bro, hard baat hai।